नमस्कार दोस्तों, मैं लक्की स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल लक्की स्टार। फ्रेंड्स, आज हमने एक फोन परचेस करा हुआ है, पोको C31। जैसा कि यहां पे देख सकते हैं हमारे हाथ में फोन पोको C31। आज हम इसकी करने वाले अनबॉक्सिंग और आपको बताने वाले कि आपको इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं, आपको इतनी कम प्राइस में ये शानदार फोन आपको मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और आपको हम बताते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फीचर दिए जा रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं पोको C31 ये हमारे सामने आपको फ़ोन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा पोको C31। यहाँ पे इसके डिस्प्ले की साइज़ देख सकते हैं 6.53 और यहाँ पे फिंगरप्रिंट आपको मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। प्लस में यहाँ पे देख सकते हैं मीडिया टेक हीलियो G35 का प्रोसेसर मिलता है। उसके बाद यहाँ पे 2.3 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें दिया जाता है। इसमें डुअल वोल्टी सपोर्ट करने वाला ये फ़ोन आपको मिल जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसमें कैमरा मिलता है आपको 13 MP +2 +2 करके इसमें दिया जाता है। चलिए हम आगे की बात, अब इसको बॉक्स को ओपन करने के बाद आपको हम बताते हैं। ये देख सकते हैं हमने बॉक्स को ओपन कर लिया और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको यहाँ पे फ़ोन आपका नज़र आ रहा होगा। जैसे हम इसको हटाते हैं, ये फ़ोन आपको कुछ इस प्रकार से आपको प्लास्टिक के कवर में दी जाती है। हम इसको साइड में रख लेते हैं फ़ोन को थोड़ी देर के लिए। बॉक्स में देखते हैं आपको क्या क्या इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं टूल किट यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके अंदर कुछ मेरे को लग रहा है कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसका मेनू कार्ड है, इसको हम साइड कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भाई साहब, इसका जो आपको अडाप्टर मिलता है, जो इसका चार्जर मिलता है, आपको 10 W का यहाँ पर आपको चार्जर मिल जाता है। इसको साइड में रख लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका इसमें केबल मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ आपको केबल मिल जाता है। ये सी टाइप का इसमें केबल नहीं है, ये माइक्रो USB टाइप का इसमें केबल आपको दिया गया है। इसको भी हम साइड कर लेते हैं, फ़ोन पे कॉन्सनट्रेट करते। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही प्यारा फ़ोन आपको नज़र आ रहा होगा इतनी कम प्राइस में। इसकी प्राइस मैंने आपको बताया कि 9000 रुपये इसकी प्राइस है। यदि आप फ्लिपकार्ट पे चेक करते तो इसकी प्राइस 9000 रुपये है, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन पेमेंट करा हुआ था तो उसमें मुझे 1000 रुपये की छूट मिल गई हुई थी, जिसमें मेरे को ये सिर्फ 8000 का फ़ोन पड़ा हुआ है। जो इसकी इंटरनल स्टोरेज है 64 GB है, प्लस जो इसका रैम है 4 GB इसमें मेरे को रैम मिला हुआ। उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिल जाता है और यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लेन आपको मिलता है, और जो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइनिंग मिल जाती है, जिसमें आपको स्क्रेचेस के खतरे बहुत कम नज़र आते हैं। अब हम इसके गार्ड को यहाँ से हटा लेते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मिल जाता है यहाँ पे स्पीकर, यहाँ पे इसको मिल जाता है चार्जिंग, प्लस यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका माइक्रोफोन। इसका जो एयरफोन जैक है यहाँ पे उसको ऑफ साइड में दिया गया है। चलिए फ़ोन को हम ओपन करते हैं। ये बहुत लंबा प्रेस करने के बाद ओपन हो रहा है भाई साहब, शॉर्ट में नहीं ओपन हो रहा है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसके कैमरे की, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि बैक साइड में यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरे मिल जाते हैं। जो इसका मेन कैमरा है ये यहाँ पे आपको 13 MP मिलता है, प्लस में यहाँ पे 2-2 MP के यहाँ पे छोटे कैमरे मिल जाते हैं। और जो इसका फ्रंट कैमरा है ये यहाँ पे आपको 5 MP का यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा दिया जाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी डिज़ाइन के बारे में, तो यहाँ पे इसकी डिज़ाइन बहुत ही शानदार आपको देखने की मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा यहाँ पे चिकना है और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लाइडिंग करी गई है। इसमें आपको स्क्रेचेस के खतरे कम नज़र आते हैं, यानी कि आप इस पर स्क्रेच जल्दी नहीं होगा, ठीक। यानी कि बेखूबी आप बिना इसको कवर के भी इसको चला सकते हैं, इसमें आपको स्क्रेच के खतरे बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसकी जो पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम दी गई है ये पूरा MI का ही फ़ोन होता है। हम सभी जानते हैं कि जो रेडमी का फ़ोन होता है प्लस पोको का फ़ोन, ये दोनों एक ही फ़ोन होता है, सिर्फ इसमें उसका नाम चेंजेस कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 5000 की बैटरी मिल जाती है, यानी कि लॉन्ग लाइफ बैटरी मिल जाती है। इतनी कम प्राइस में आपको 8000 के रेंज में इतना शानदार फ़ोन मिल जाता है, जिसमें कि आपको प्रोसेसर प्लस इसकी जो बैटरी है दोनों सही मिल जाती है। आप इसको गेमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार फ़ोन है, आप इसको गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें सिम स्लॉट के बारे में, तो इसमें आपको हाइब्रिड टाइप का सिम स्लॉट मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको निकाल के भी दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक साथ 2 SIM प्लस 1 microchip इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें फिंगरप्रिंट आपको बैक साइड में मिल जाता है, प्लस आपको इसमें फेस लॉक भी देखने को मिलता है, यानी कि आप इसमें फेस लॉक भी लगा सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं भाई साहब इसमें आपको प्रोसेसर क्या मिलता है। इसमें जैसा कि मैंने आपको डब्बे पे ही दिखा देता हूँ, केबल साइड हट जा भाई साहब, इसको साइड रखता हूँ मैं। इसमें आपको जो इसमें इसका जो प्रोसेसर मिलता है मीडिया टेक हीलियो G35 का, इसमें आपको
प्रोसेसर मिल जाता है, प्लस में यहाँ पे 2.3 GHz ओक्टा कोर प्रोसेसर इसमें मिलता है, यानी गेमिंग के लिए आप यदि इसको यूज़ करते हैं तो बहुत ही तगड़ा इसमें गेमिंग होने वाली भाई साहब, कतई जहर इसमें गेमिंग होगी, बिना लैग किए आसानी तरीके से चलेगा। हालांकि इसको हम यूज़ करेंगे और आगे की इसकी परफॉर्मेंस क्या होंगी उसके बारे में आपको बताएंगे, क्या कि इसमें गेमिंग किस प्रकार से चल रही है, प्लस में ऐप इसमें किस प्रकार से, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आप ये बिना लैग करे हुए चल रहा है। लेकिन कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि अभी नया फ़ोन है इसलिए ये बहुत मस्त चल रहा है, लेकिन ऐसे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्टा कोर 2.3 GHz का इसमें आपको ओक्टा कोर का प्रोसेसर दिया जाएगा, कि काफ़ी तगड़ा आपको फ़ोन ये चलने वाला है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसमें बैटरी के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है इसमें बैटरी, यानी कि इसमें आपको बैटरी मिल जाती है भाई साहब 5000 mAh की, यानी कि काफ़ी लॉन्ग लाइफ इसमें आपको बैटरी मिल जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल टेक्निकल लकी स्टार को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.